हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हमारा राजस्थान का चैप्टर नंबर 6 परिवहन एवं पर्यटन। क्योंकि ये वीडियो जो है वो डल चुका था चैप्टर 6 का, लेकिन यहाँ पर दो मिस्टेक जो है वो हो गई थी, इस वजह से ये वीडियो जो है वो दोबारा डाला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, परिवहन को परिभाषित किया जा सकता है। परिवहन को परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ परिवहन का अर्थ पूछा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं अथवा मानव का आवागमन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, परिवहन का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और मानव का आवागमन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है, तो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाले जो राजमार्ग है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। किस प्रकार का परिवहन, सड़क, वायु या रेल परिवहन राजस्थान में सर्वाधिक विकसित है? किस प्रकार का परिवहन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक विकसित है? तो राजस्थान में सड़क परिवहन जो है वो सर्वाधिक इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राज्यीय राजमार्ग से क्या अभिप्राय है? राज्यीय राजमार्ग से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है, राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें जो हैं वो क्या कहलाएंगी? राज्यीय राजमार्ग कहलाएंगी। तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से रिवीजन ही हो रही है, वीडियो जो है वो दोबारा डाला जा रहा है। तो क्वेश्चन 5 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या अभिप्राय है? तो केंद्र सरकार के अधीन जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वे राष्ट्रीय राजमार्ग में आएगी। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के लिए कौन सा परिवहन अच्छा व सस्ता है? स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के लिए कौन सा परिवहन अच्छा है और जो कि सस्ता भी है? तो वो है रेल परिवहन। ठीक है, तो रेल परिवहन जो कि परिवहनों में सबसे सस्ता साधन माना जाता है। भारत में सबसे पहली रेल कहाँ चलाई गई? भारत में सबसे पहली रेल कहाँ चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में चलाई गई थी सबसे पहली रेल। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल कहाँ चलाई गई? राजस्थान में सबसे पहली जो रेल है वो कहाँ चलाई गई? तो भारत में 1853 में चलाई गई थी, और उसके बाद राजस्थान में 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई। बांदीकुई कहाँ है? दौसा राजस्थान में, और आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक ये चली थी। फिर देखें क्वेश्चन 9, राजस्थान में रेल परिवहन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? राज्य में रेल मार्ग की जो लंबाई है, कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो ये लगभग 6,000 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राज्य में कितने रेलवे मंडल हैं? राज्य में कितने रेलवे मंडल हैं? तो राज्य में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, 5 रेलवे मंडल हैं। राजस्थान का राज्य में सबसे बड़ा रेलवे परिवहन का केंद्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य में सबसे बड़ा रेलवे परिवहन का केंद्र कौन सा है? तो यह है जयपुर। क्वेश्चन 13 देखें, राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन जो है वो भारत के किस मंडल में है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में है, और इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। तो राजधानी होने के कारण जो है वो राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जयपुर ही है। मेट्रो रेल क्या है? मेट्रो ट्रेन जो है वह क्या है? तो इसका जो अर्थ है,
महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। तो जो महानगर होते हैं वहां पर स्थानीय परिवहन के लिए जो उपयोगी रेल है वही मेट्रो रेल कहलाती है। राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जून 2015 में इसकी शुरुआत होती है जयपुर में। सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में गलती हुई थी, इस वजह से जो है वीडियो दोबारा बनाया गया। तो सबसे सस्ता जो है, जो हमने देखा रेल परिवहन है, जिसमें बहुत भारी वस्तुएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत लंबी दूरी तक जो है अधिक मात्रा में वस्तुओं को ले जाया जा सकता है, और सबसे सस्ता परिवहन है रेल परिवहन। वहीं सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है? तो सबसे महंगा है वायु परिवहन, लेकिन इसकी एक खासियत क्या है कि ये बहुत जल्दी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को, मानव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। क्वेश्चन 17 देखिए, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को किस परिवहन साधन से ले जाया जा सकता है? शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को किस परिवहन साधन से ले जाया जा सकता है? तो जो सबसे तीव्र परिवहन का साधन है वह है वायु परिवहन। तो यहाँ वायु परिवहन से हम शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। राजस्थान राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मेवाड़ में चले जाएं आप, महाराणा प्रताप की यदि बात कर रहे हैं तो उदयपुर के डबोक में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उदयपुर के डबोक में। राजस्थान में सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहाँ है? राजस्थान में सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह जोधपुर के रातानाड़ा में है। पर्यटन किसे कहते हैं? तो जहाँ हमने परिवहन को देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को हम क्या कहेंगे? परिवहन। वहीं पर पर्यटन किसे कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना, घूमना। राजस्थान में पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान में पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो वह है हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, उदयपुर में आहड़ है, जयपुर में बैराट है, सीकर में गणेश्वर है। ये तो सभी कैसे हैं? पुरातात्विक पर्यटन स्थल हैं। हवा महल, आमेर का महल, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। विजय स्तंभ जो एक भौगोलिक पर्यटन स्थल है कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो एक ही भौगोलिक पर्यटन स्थल है तो यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन 25 है, कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ का किला जो है वह कहाँ पर है? तो यह राजसमंद जिले में है। फिर देखिए मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? तो सोनारगढ़ जो है वह जैसलमेर में स्थित है, और ये ऐसा गढ़ है, ऐसा किला है जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, इसी वजह से इसका नाम है सोनारगढ़। रणथंबोर का किला कहाँ स्थित है? रणथंबोर का किला जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधवपुर जिले में स्थित है। तो ये सभी जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, राजसम्मत का कुंभलगढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़, सवाई माधवपुर का रणथंबोर का किला। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? गागरोन का किला जो है वह झालावाड़ जिले में स्थित है। जयसम्मत और फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है जयसम्मत झील, जो भी झीलें होती हैं वो सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थल में आ जाएगी। तो जयसम्मत और फतेह सागर जो झील है वह कहाँ है? उदयपुर में है।
पिछोला और उदय सागर झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील, उदय सागर झील कहाँ पर है? तो यह उदयपुर में है। तो उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर, ये सभी झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में। माउंट आबू नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू नक्की झील कहाँ है? तो सिरोही जिले में है माउंट आबू और नक्की झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील जो कि एक प्राकृतिक भौगोलिक पर्यटन स्थल है, इसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन स्थल भी है, तो यह झील जो है वो अजमेर जिले में स्थित है। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील जो है वो कहाँ है? राजसमंद में ही है, ठीक है, और राजसमंद में ही कुंभलगढ़ का किला है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बाघ जो है उनका संरक्षण के लिए जाना जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह सवाई माधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह अलवर जिले में है, ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पर पक्षियों की सभी प्रजातियां जो है वो आपको मिलेगी। कहाँ पर है केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? तो यह जैसलमेर और बाड़मेर में है, ठीक है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जिसको मरु प्रदेश कहते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान यहीं पर है जैसलमेर और बाड़मेर में। फिर देखें चंबल अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंबल अभयारण्य कहाँ है? तो जो कि घड़ियाल के लिए, मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो यह कोटा में है, चंबल नदी के किनारे। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो धार्मिक पर्यटन स्थल है ब्रह्मा जी का मंदिर, और यह पुष्कर में है, ठीक है, पुष्कर में ही। पुष्कर झील है, पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है, और ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पर है पुष्कर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध रामदेवरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। ऋषभदेव रणकपुर और देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? ऋषभदेव रणकपुर और देलवाड़ा, ये सभी जैन मंदिर हैं, तो ये कहाँ पर है? ऋषभदेव का जो जैन मंदिर है वह उदयपुर में है, रणकपुर का मंदिर पाली में है, और देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये सिरोही जिले में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास की स्थापना की गई, तो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? राजस्थान पर्यटन विकास को बोलते हैं RTDC, ठीक है। तो ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है जयपुर में। पर्यटन स्थल की सैर करवाने वाली शाही रेलगाड़ी कौन सी है? पर्यटन स्थल की सैर करवाने वाली शाही रेलगाड़ी कौन सी है? तो वह है पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, याद रखें पैलेस ऑन व्हील्स जो कि पर्यटकों को सैर करवाती है। पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ से कहाँ तक चलती है? पैलेस ऑन व्हील जो कि शाही रेलगाड़ी है, यह चलती है दिल्ली से। तो दिल्ली से जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर से मध्य प्रदेश जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो है महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ताकि जो है देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मेलों का आयोजन करती है, तो जिसमें ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऊंट आपको कहाँ मिलेंगे? बीकानेर में मिलेंगे, तो यहाँ पर ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मारवाड़ में आता है जोधपुर, तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है वह उदयपुर जिले में किया जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर 6 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। थैंक यू।